हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना जर्नी एंड डेस्टिनेशन। ये वीडियो में आपको सब बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि फर्स्ट गियर कैसे डालना है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी कैसे चलानी है, फर्स्ट गियर का पिकअप कितना मिनिमम होना चाहिए, फर्स्ट गियर में क्या कंसेप्ट होता है, ये सब जो भी है। सबसे पहले फर्स्ट गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलती हूँ, फर्स्ट गियर आया नहीं तो गाड़ी आई नहीं। तीन और चार में भगाना बहुत इजी है, पर पहले गियर में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ आपको ट्रैफिक में ही लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट गियर। तो उसके सब कंसेप्ट आपको वन बाय वन बताऊंगी, फिर गियर चेंजिंग बताऊंगी, पिकअप एंड स्टॉप, वन टू फोर्थ गियर चेंज एंड हिल। आज का ये पोर्शन मेरा रहेगा बेसिक गियर चेंजिंग, पिकअप एंड स्टॉप एंड हिल। चेंजिंग वन एंड टू, मैं हमेशा बोलती हूँ वन एंड टू आ गया तो तीन और चार आ ही जाएगा, चपाती आया तो पराठा बन ही जाता है। तो वैसे ही फर्स्ट एंड सेकेंड आया तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आ ही जाएगा, पर बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बेसिक। तो वन एंड टू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपके लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट एंड आपका व्यू, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये तीनों चीज़ों को मल्टीटास्किंग में यूज़ करना है, जैसे लेग्स के बाद हैंड, हैंड के बाद व्यूज़ बाद में नहीं होते, व्यूज़ ऑलवेज आपके सामने ही रहेंगे। आप नज़र सामने रखोगे, माइंड पैर पे रखोगे, हाथ पे रखोगे। इसलिए मैंने पहले लेग्स मूवमेंट को पोर्शन को कवर किया है, फिर हैंड मूवमेंट, गियर चेंजिंग आपको दिया हुआ है। अभी हम प्रैक्टिकली गियर चेंजिंग करेंगे वन एंड टू। आज का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो प्रैक्टिकली गाड़ी मूवमेंट होगी वो फर्स्ट गियर पे होगी और वो कैसे चलानी है। वन एंड टू पिकअप एंड स्टॉप, ये वीडियो में आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से करो, देखो घाई मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ एक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही दूसरे कंसेप्ट के पास जाओ। अगर फर्स्ट गियर का बाइटिंग पॉइंट नहीं समझ रहा है तो कोशिश करो समझेगा, ब्रेक पकड़ के क्लच को होल्ड करने की कोशिश करो। जहाँ पे आपकी गाड़ी हैवीनेस लगती है तो वो पैर आपका हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, वो पैर को होल्ड होना ज़रूरी है और आपका ब्रेक रिलीज होना चाहिए। विद इन सेकेंड आपकी गाड़ी हल्के से मूवमेंट होएगी, वही होल्ड करोगे क्लच को तो आपका वो बाइटिंग पॉइंट मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है क्लच का बाइटिंग पॉइंट और फर्स्ट गियर का पिकअप। देखो आप फर्स्ट गियर में गाड़ी जब बंद गिरती है, आपकी गाड़ी जब रास्ते में बंद गिरती है, सबसे टेंशन वाला काम यही रहता है। पीछे से हॉन्किंग आती है, लोग ऐसे देखते हैं जैसे यार इसको नहीं आ रहा है तो बीच में क्यों खड़ी है। तो तुम लोग 10 बार भी गाड़ी को ही स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये एक ही चीज के वजह से, क्योंकि आप बहुत नर्वस हो जाते हो। दूसरी चीज, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठा पाऊंगी। यही कॉन्फिडेंस मुझे देना होता है, इसलिए मैं फर्स्ट गियर पे बहुत 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 काम करती हूँ। फर्स्ट गियर का कॉन्फिडेंस आ गया, दुनिया की कोई भी जगह पे आप गाड़ी चला सकते हो। इसलिए फर्स्ट गियर का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद में डालो। अरे कुछ भी होने दो, मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर पे चलेगी। देखो इसके लिए एक ही चीज करना है, आपका जो माइंड है वो पूरा क्लच पे रखोगे। दूसरा चीज है आपका ब्रेक। मैंने एक फंडा दिया हुआ है यहाँ पे कि डर होता है इसलिए आप वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ऐसे मत करो। वो क्लच को बहुत अच्छी तरह से समझ के लो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का फर्स्ट गियर में गाड़ी पिकअप होना, उसके बाद सब कुछ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लच का बाइटिंग पॉइंट के लिए मैंने एक फंडा दिया हुआ है, 1 2 3 होल्ड बोले तो क्लच को वहां पे दबा के रखो और फिर ब्रेक को रिलीज करो। एक्चुअली हिल में इसके तीन पैटर्न है, वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे ही आपने फुल क्लच फुल ब्रेक पकड़ा हुआ है, गियर में फर्स्ट गियर में गाड़ी है आपकी, अभी देखो ब्रेक छोड़ूंगी तो गाड़ी मूवमेंट करेगी, तो ब्रेक को नहीं छोड़ना है, जोर से ब्रेक को पकड़ना है। बंद है जैसे कि स्लोप है, इसके ऊपर मैं अभी आप मेरे स्टूडेंट को गाड़ी चलाने दे रही हूँ। ये मेरी स्टूडेंट है मुस्कान शेख। हाय मुस्कान। हाय। तो फर्स्ट गियर देखो, उसने फर्स्ट गियर डाला हुआ है फुल क्लच दबा के। अभी आप क्लच की मूवमेंट और ब्रेक की मूवमेंट को फील करोगे। देखो उसने वो हैवीनेस लाया, ब्रेक को रिलीज कर बेटा और क्लच को हल्का सा होल्ड रख, हैंड ब्रेक नहीं निकाला है। वेरी गुड। देखो ये गलतियां होती है, सबसे पहली गलती उसकी हुई, उसने हैंड ब्रेक को डाउन। तो मुस्कान पहले सबसे पहले फर्स्ट गियर डाल,
प्यार से बेटा, फुल क्लच दबाया हुआ है, ब्रेक दबाया हुआ है ताकि गाड़ी पीछे नहीं जाए, और उसने हैंड ब्रेक भी खींचा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी आप क्या करोगे, पहले लेग्स मूवमेंट के क्लच और ब्रेक को होल्ड करोगे अच्छी तरह से। हाँ, अभी हैंड ब्रेक डाउन कर, ये उसने हैंड ब्रेक को डाउन किया, ब्रेक और क्लच को बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया है, देखो अभी। हाँ, ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, मेरी बंदी ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लिया, उसको लगा गाड़ी जाएगी। हमेशा याद रखो, क्लच को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करो, पकड़ो, और फिर ब्रेक को रिलीज करो। ये दो चीज इधर क्यों हुई, गाड़ी बंद गिरी क्योंकि उसने ब्रेक से पैर निकालते हुए क्लच का होल्डिंग नहीं रखा। मुस्कान, पहले सबसे पहले क्लच को होल्डिंग कर, तेरा पैर दुखने तो क्लच को पकड़, गाड़ी का वाइब्रेट मोड हो हील फील कर, गाड़ी का वाइब्रेशन फोर फील कर, हैंड ब्रेक ऑलरेडी तेरा नीचे है, ऐसे ब्रेक को रिलीज कर। देखो ये हुए क्यों हो रहा है, क्योंकि हील पे वो क्लच को होल्ड नहीं कर पा रही है। स्टार्ट करो, हाफ क्लच पकड़ो, बहुत जोर से पकड़ो, हाँ ब्रेक को रिलीज करो, क्लच पे प्रेसिंग रख बेटा, ब्रेक को छोड़ेगी, क्लच को होल्ड 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 होल्ड, ब्रेक रिलीज, क्लच पकड़ के रख बेटा, चढ़ाने क्लच पकड़ के रखी नहीं रे दादा, उसको उसमें ही तो मेन चीज है, पकड़ के मत, मतलब उसको वो टचिंग चाहिए, दबा के रखो वो क्लच को थर्ड पॉइंट पे, ब्रेक छोड़, हाँ दबा के रख क्लच को, तेरी गाड़ी नहीं बन गिरेगी। ये देख, ये हुआ हील प्रॉपर, क्या किया तूने, स्टॉप क्या किया आपने, क्या फील हुआ तुझे? मैंने क्लच को एकदम जो ब्रेकिंग पॉइंट पे परफेक्ट होल्ड करके रखा। इसमें एक पॉइंट है, अगर क्लच पे तुम्हारा पाँव अगर बराबर पोजीशन पे आप रखते हो तो वो होल्ड होता, पहले मेरा पोजीशन गलत था इसके वजह से होल्ड नहीं हो रहा था। और चढ़ने के बाद जैसे गाड़ी आपकी हिली, हाँ, तो तुझे कॉन्फिडेंस आया और हाँ, तेरा पैर हिल गया, हाँ, इसलिए तेरी गाड़ी बंद गिरी पहले दो टाइम। और अभी तूने क्या किया, नहीं चढ़ने के बाद भी वो क्लच को वही पैटर्न में हल्का सा दबा के रखा, बराबर है, तो वही चीज जरूरी है कि तुम लोग को वो क्लच को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, और फिर ब्रेक जैसे रिलीज होता है आपकी गाड़ी प्रॉपर चढ़ान पे बहुत अच्छी तरह से चढ़ेगी। ये सबसे पहला स्टेप है। ये आपकी गाड़ी बंद है, ये अगर लाइट्स ऑन है सब तो आपकी गाड़ी को, गाड़ी आपकी बंद है, तो आपको यहाँ पे ये जो गाड़ी स्विफ्ट है इसको क्लच दबा के ही स्टार्टर देना है। तो मैंने क्लच दबाया और गाड़ी को स्टार्टर दिया, जैसे गाड़ी को स्टार्टर दिया सिर्फ हैंड ब्रेक का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो फुल क्लच है, फुल ब्रेक है। फिर मेरा फर्स्ट गियर मूवमेंट होगा, ये मैंने फर्स्ट गियर पे डाला अभी, फिर मैंने पैर का बैग पकड़ के हैंड ब्रेक डाउन किया, और फिर ये क्लच को होल्ड किया, और फिर गाड़ी सीधी नजर डाल के देखो, गाड़ी को अगर आप मूवमेंट करते हो पहली बार भी तो तीनों व्यूज आपको क्लियर होने जरूरी है, आपके मिरर्स में आपको चेकअप करना जरूरी है कि आपके आगे पीछे कौन चल रहा है। और देखो सबसे पहले फर्स्ट गियर का ही पिकअप करो, 0 to 15 आप मेंटेन करने का सोचो, स्पीड को लो, ये मेंटेन होना जरूरी है, इससे थोड़ा ज्यादा हुआ फिर कम करो, ये झटका आने वाला फीलिंग नहीं चाहिए आपको, एक 10 to 15 स्पीड में गाड़ी को स्टेबल रखने का सोचो, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 जस आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर ऐसे ही प्यार से टच करना है, बहुत प्यार से, ताकि आपकी गाड़ी 0 to 15 यही मोमेंट में चलेगी। देखो आ रहा है तो ये सोचो कि आपका जो एक्सीलेटर का लेग है वो आपका एक तो निकल रहा है या आप झटके जैसे दे रहे हो, तो वो पैटर्न नहीं चाहिए। एक्सीलेटर का जो लेग है वो प्रॉपर ऐसे ही जो मैंने टच फीलिंग बताई है वो ही चाहिए, तो 10-15 के ऊपर एक्सीलेटर नहीं जाना चाहिए, आप उसको मेंटेन करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फर्स्ट गियर और ये मेंटेन सीखोगे, इसके बाद आपका जो आएगा वो स्टॉपिंग मोमेंट। ठीक है, मुस्कान फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला के दिखा, नसीब मेरा कुछ तो सिखाया मैंने आपको। मुस्कान आपने, मुस्कान बोलो फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे चलाना है? अभी गाड़ी बंद है, क्लच दबाया, मेरी गाड़ी पूरी क्लच पे स्टार्ट होती है, चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने ब्रेक को नीचे रिलीज किया और
मेरा फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया, फुल क्लच दबा के फर्स्ट गियर, फुल क्लच दबा के, विदाउट क्लच फर्स्ट गियर नहीं होगा। हाँ वो ही, पहले से दबा के रखा था ना, और तुझे बताना चाहिए ना बेटा। हाँ, फिर सब, और फिर मैंने नहीं, इसके बाद मैं व्यू चेक करूंगी। हाँ, फिर उसके बाद मैं मिरर अपना व्यू चेक करूंगी, पीछे का फ्रंट मिरर, मेरा राइट मिरर और लेफ्ट मिरर। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उनको पहले पास होने दूंगी, जैसे मुझे क्लियर रास्ता मिलेगा हल्का सा मेरे गाड़ी को ब्रेकिंग पॉइंट पे लाऊंगी, और ये मेरी गाड़ी की मूवमेंट होगी, क्लच पे ये गाड़ी की मूवमेंट होगी, उसका स्लोली ब्रेक, ब्रेक फुल क्लच, प्यार से ब्रेक अगेन, ये 5 बार कर विदाउट मिस्टेक। देख गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब तेरा क्लच ये होता ही है, नहीं होना चाहिए, फुल क्लच हाफ ब्रेक, ये होता है मिस्टेक न्यू लर्नर से, ये क्यों होता है, क्लच पे आप ध्यान नहीं देते हो। अगेन ब्रेक रिलीज, ये मोमेंट पे गाड़ी क्लच पे उठेगी, फुल क्लच स्लोली ब्रेक, ये मोमेंट होना चाहिए। ब्रेक करते समय आप आगे और पीछे के मिरर को सेट करो, पहले देखो और फिर ब्रेक दो, फुल स्टॉप, रुकना बेटा, यस ऐसे ही 5 बार कर, ये मैं बोलती हूँ जब आपको 10 बार परफेक्ट आया तो आप इसमें पास हो गए, कंटिन्यूशन में विदाउट मिस्टेक बंद गिरे हुए। तो ये प्रैक्टिस पहले करो कि 10 बार आपको ये पिकअप एंड स्टॉप विदाउट मिस्टेक करना है, सबसे पहला लेसन गाड़ी का फर्स्ट गियर में पिकअप एंड स्टॉप, क्लच का मोमेंट वाइब्रेट हुए मोमेंट, फुल क्लच एंड स्लोली ब्रेक, तेरा ब्रेक झटके वाला है, ब्रेक का मोमेंट बहुत प्यार से, फुल क्लच, ब्रेक को भी टाइम दो, इतना जोर से ब्रेक नहीं पकड़ोगे, 1 2 3 4 होल्ड, फुल क्लच स्लोली ब्रेक, 1 2 3 ब्रेक का मूवमेंट गलत है आपका, 1 2 3 होल्ड, फुल क्लच दबा ब्रेक प्यार से, ब्रेक को भी 1 2 3 में दबाओ, नहीं झटका आ रहा है, 1 2 3 4 होल्ड ब्रेक, 1 2 3 4 होल्ड, क्लच को होल्ड, क्लच के साथ मूवमेंट, फुल क्लच एंड स्लोली ब्रेक, ये मूवमेंट होता है आपके गाड़ी का बाहर से, जो मैंने अंदर से मूवमेंट दिखाया हुआ है और ये बाहर से मूवमेंट दिखाया हुआ है, यस यही फुल क्लच और ब्रेक, ये बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट करो, ताकि आपको कभी भी ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप गाड़ी ट्रैफिक में कभी भी गाड़ी उठा सकते हो और चला सकते हो। और एक याद रखो, फर्स्ट गियर आया नहीं तो गाड़ी 4 गियर पे चलाने को फायदा नहीं, मैं हमेशा यही बोलूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। का 90% काम आपका हो गया, करो बेटा फिर से, बहुत स्लो बेटा, आपका एक टायर से घूमना चाहिए। चैनल एंड शेयर माय वीडियो, थैंक यू सो मच।